नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और आज की पांच बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुजीत मिश्रा। प्रयागराज में आज से अर्धकुंभ की शुरुआत। इस बड़ी घड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संगम तट पर किया स्नान। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि प्रयागराज में आरंभ हो रहे पवित्र कुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग में 49 दिन तक चलने वाले कुंभ की शुरुआत हो गई है और आज मंगलवार को पहला शाही स्नान है। सबसे पहले संगम तट पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने स्नान किया। इसके बाद पंचायती अटल अखाड़ा के संतों ने भी संगम तट पर डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गंगा में स्नान किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि JNU-SU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा अन्य के खिलाफ देशद्रोह के मामले में सोमवार को आरोप पत्र हुआ दाखिल। कन्हैया कुमार ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले इसे दाखिल किए जाने को लेकर भी उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस ने JNU परिसर में 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के लिए पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया है। कन्हैया कुमार ने कहा, आरोप पत्र राजनीति से प्रेरित है, हालांकि हम चाहते हैं कि आरोप तय किए जाएं और हम इस मामले में तुरंत सुनवाई चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। हम उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं जो पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर रखे गए हैं। सरकार तरह तरह के जो है उसके द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई हो। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश हित का यह मुद्दा है और देश हित के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी छाती कूटती है तो उसका सीरियसनेस दिखाई देना चाहिए। हम अब भी चुनौती देते हैं इस सरकार को और इनकी पुलिस को, इस मामले में सनी देओल की फिल्म की तरह तारीख में तारीख न दिया जाए। त्वरित कार्रवाई करते हुए, स्पीडी ट्रायल करते हुए इस पूरे के पूरे मामले का जो है निपटारा किया जाए। हम खुद हर सभाओं में जाकर के बोले हैं कि हमको 15 लाख रुपया चाहिए, 2 करोड़ नौकरी चाहिए और इस देश के किसानों और मजदूरों का जो सवाल है, इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के गरीब किसान और मजदूरों का जो सवाल है, उन सवालों को हम उठाते रहेंगे। चार्जशीट तो क्या आप जेल में भी डाल देंगे तब भी हम आपकी इस गीदर भवकी से घबराने वाले नहीं हैं। हमको इस देश के संविधान में और इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है और उस भरोसे से, उस आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि आप इस कार्रवाई में अपनी सीरियसनेस दिखाइए। हर बार हर मंच पे जाकर के बोले हैं कि चार्जशीट दाखिल कीजिए। अभी भी चार्जशीट दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है और सरकार इसमें गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मौजपुर में सोमवार शाम हुआ एक बड़ा हादसा। 7 फीट गहरे गड्ढे में समा गई कार और ऑटो, किसी जान माल का नुकसान नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में सोमवार शाम को सीवर लाइन फटने से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, जबकि पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार घटना में गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ होने वाली बैठक में खुल सकती है गठबंधन की गांठ। सपा अपने कोटे की 1-2 सीट रालोद को दे सकती है। मायावती और अखिलेश यादव की 12 जनवरी को हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा बसपा के बीच गठबंधन का ऐलान किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल या अन्य दलों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि रालोद की सीटों के बारे में अलग से बता दिया जाएगा। सपा बसपा ने 2 सीट अन्य दलों के लिए छोड़ रखी है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये सीट रालोद के लिए छोड़ी गई है। आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाने के मामले में सीवीसी की जांच पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जस्टिस एके सीकरी ने रिटायरमेंट के बाद कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने का सरकार का ऑफर ठुकराया।
आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के सिलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद जस्टिस एके सीकरी पहली बार कैमरे के सामने आए। मार्च में अपने रिटायरमेंट के बाद कॉमनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने के सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन अब विपक्ष सवाल सीवीसी की जांच पर उठा रहा है। सोमवार को जस्टिस एके सीकरी ने खुद को बस किताब तक सीमित रखा, जिन्हें उम्मीद थी कि वो हॉल में विवाद पर कुछ कहेंगे वे मायूस हो गए। लेकिन आलोक वर्मा को हटाने पर विवाद खत्म नहीं हुआ है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नवभारत टुडे। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।